सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम सभी लोग ज्योग्राफी भूगोल को पढ़ेंगे। आज मैं भूगोल का पहला लेक्चर आपको बता रहा हूँ और उसमें बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्या, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, ब्रह्मांड क्या है और गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है और जो तारे वगैरह हैं वो क्या है, है ना, इन सब के बारे में पूरी ऐसी थ्योरी जिसको मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। इस बात का मैं इस बात के लिए आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बस चुका होगा, बस पेशेंस से इसको देखते रहो एंड तक, ठीक है। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए, ठीक है। चलो हम चलते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आता है सबसे ज्यादा, वो क्या है, बेल्जियम का एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेवेंटियर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। बेल्जियम के वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेवेंटियर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ब्रह्मांड से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी से संबंधित कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे, बेल्जियम के, नाम क्या था, जॉर्ज लेवेंटियर, ठीक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग या बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। और इसी सिद्धांत को दूसरा नाम क्या है, इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली बोला क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। किसने बोला, जॉर्ज लेवेंटियर ने, कहां के थे, बेल्जियम के। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेवेंटियर ने, ये कहां के वैज्ञानिक थे, बेल्जियम के, ठीक है। अब कैसे याद करना वो भी मैं बताऊंगा, पहले सुनो इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बोला लगभग 15 अरब वर्ष पहले, लगभग 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक ठोस, एक सघन पिंड के रूप में था। कैसा था, एक सघन और ठोस पिंड के रूप में था। अचानक से इसमें महान विस्फोट होता है जब कोई एक पूरा ब्रह्मांड, इन्होंने बताया पूरा ब्रह्मांड कैसा था, एक सघन पिंड के रूप में था, अचानक से इसमें एक विस्फोट होता है और ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े टुकड़े उसमें ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, ठीक है। तो उस जो ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था वो कैसा हो गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बट गया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बट गया क्योंकि उसमें एक महान विस्फोट हुआ, ठीक है। एक किसने बोला था, जॉर्ज लेवेंटियर ने, इसलिए इसको बोला जाता है महान विस्फोटक सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखना। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बट गया, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही मंदाकिनी कहा जाता है, गैलेक्सी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, पहले था ठोस और सघन पिंड के रूप में, जब इसमें एक विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तितर बितर हो गया, आसपास आसपास बट गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े तारों का समूह है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को, जो टुकड़े थे, इन्हें ही गैलेक्सी कहा जाता है। अब देखो कैसा है, पहले ठोस पिंड के रूप में जो ब्रह्मांड था वो लगभग लगभग कितने टुकड़ों में बटा, लगभग लगभग 100 अरब गैलेक्सियों में बट गया। पहले ब्रह्मांड था उसमें जैसे ही विस्फोट हुआ वो कितने टुकड़ों में बट गया, 100 अरब टुकड़ों में। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी। तो ब्रह्मांड में जैसे ही विस्फोट हुआ वो लगभग 100 अरब गैलेक्सियों में बट गया। तो ब्रह्मांड में लगभग लगभग कितनी गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में लगभग लगभग 100 अरब तारे हैं, ठीक है। तो पूरा जो ब्रह्मांड था वो 100 अरब गैलेक्सियों में बट गया और हर गैलेक्सी में लगभग लगभग 100 अरब तारे हैं, और हर गैलेक्सी का खुद का सौरमंडल होता है, ठीक है। सूर्य, जिसका सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सूर्य, उसके चारों तरफ कौन से होते हैं, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, और जो सूर्य होता है वो भी किसके चक्कर लगाता है, गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। अब मैं बताऊंगा क्या होता है,
वो बात की बात है ठीक है। और सूर्य गैलेक्सी के केंद्र के, देखो सूर्य जो सौरमंडल होता है वो किसी न किसी गैलेक्सी में होता है ठीक है, तो जिस गैलेक्सी में होता है उसी गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगाता है। अपने सौरमंडल की बात कर रहा हूं मैं, तो अपना सौर जो है, अपना जो सूर्य है सौरमंडल का मुख्य सूर्य, वो किस गैलेक्सी में है इसकी चर्चा मैं बाद में करूं, है ना, कि थोड़ा क्रम से भटक रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या है, पहले गैलेक्सी जान लेते हैं, है ना, गैलेक्सी क्या है, क्या केंद्र होता है, केंद्र को बोला क्या जाता है, कैसा है स्ट्रक्चर है इसका, फिर मैं बताऊंगा क्या है ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि पूरा ब्रह्मांड में क्या हुआ, जैसे ही विस्फोट हुआ तो 100 अरब मंदाकिनियों में 100 अरब गैलेक्सियों में बट गया पूरा ब्रह्मांड, और हर गैलेक्सी में लगभग लगभग 100 अरब तारे हैं ठीक है। अब हम बात करते हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी कुछ नहीं है, असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी में लगभग लगभग 100 अरब तारे होते हैं, और जब से ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ है तब से लेके लगातार जो गैलेक्सियां हैं आपस में वो लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिस कारण ब्रह्मांड का लगातार प्रसार होता जा रहा है ठीक है। जैसे कि इसको देखो यहां पे ब्रह्मांड था, ये लगभग 100 अरब गैलेक्सियों में बट गया, अब क्या हो रहा है, ये गैलेक्सी स्थिर नहीं है, ये गैलेक्सी लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही है, जिससे जो ब्रह्मांड है उसका प्रसार होता जा रहा है ठीक है, उसका प्रसार होता जा रहा है। अब हम गैलेक्सी की बात करते हैं, गैलेक्सी के अंदर क्या है, गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है, 100 अरब तारों से मिलकर, मतलब असंख्य तारे हैं उसमें, तारे तारे है ना, और उसमें क्या क्या होगा तारों के अलावा, उसमें सौरमंडल होगा, सूर्य होगा, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, सब कुछ होगा, पूरा सौरमंडल होगा है ना। तो हम बात करते हैं यहां पर, देखो जो गैलेक्सी होती है वो क्या होती है, तारों का समूह। अब देखो गैलेक्सी में तारे होते कैसे हैं, जो तारे होते हैं गैलेक्सी के केंद्र में बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गैलेक्सी के केंद्र से दूर जाते जाएंगे तारों के जो बीच की दूरी है वो बढ़ती जाएगी। मतलब किस टाइप से, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बनाऊंगा डायग्राम, आप समझ गए होंगे इसके बाद, और दूर मतलब क्या है कि जितने आप केंद्र के पास में हो तारे बहुत पास पास थे, लेकिन केंद्र से जैसे ही दूर जाते जा रहे हैं तो तारों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर पूछा जाए कि किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में जो घनत्व होता है, जो तारों के बीच आकर्षण बल होता है, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। तो गैलेक्सी के केंद्र में तारों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसका कारण घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते जाते हैं तारों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जब दूरी बढ़ती जाती है क्यों, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल कम होता जाता है, तो उनके बीच दूरी बढ़ती जाती है और घनत्व कम होता जाता है ठीक है। कैसे मैंने बोला, देखो जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो एक दूसरे से मिलेंगे वो, जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो एक दूसरे के पास होंगे, और पास होंगे तो घनत्व तो बढ़ जाएगा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आकर्षण बल कम होगा तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो घनत्व कम हो जाएगा ठीक है। तो जो गैलेक्सी होती है उसके केंद्र में अगर मैं बोलूं तो तीन चीज याद रखनी है, केंद्र में आकर्षण बल ज्यादा होता है जिससे तारों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, और घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे तो तारों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि आकर्षण बल कम होता जाता है और घनत्व भी कम होगा ठीक है, इसी याद रखना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो गैलेक्सी होती है उसके केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र में कैसा क्या होता है, तारों के बीच है ना घनत्व ज्यादा होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, दूरी कम होती है ना केंद्र में, लेकिन केंद्र को क्या कहा जाता है, किसी भी गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है, बल्ज है बल्ज ठीक है। तो गैलेक्सी के जो केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं ठीक है। अब ये तो मैंने बताया कि कितनी गैलेक्सियां होती हैं और कितने तारे होते हैं ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या हो गया, ब्रह्मांड का सिद्धांत हो गया, किसने दिया था, कब दिया था, क्या दिया ठीक है, गैलेक्सी की बात हो गई। अब हमने गैलेक्सी की आपको परिभाषा दे दी, अब मैं गैलेक्सी के एग्जाम्पल बता रहा हूं ठीक है। एग्जाम्पल में मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो सौरमंडल है वो किस गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है,
तो आपको वैसे पता होगा, बहुत आसान है। आकाश गंगा जिसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं, तो हमारा सूर्य जो है जिस गैलेक्सी में है, हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा या मंदाकिनी। ठीक है, आप देखो बहुत सारी गैलेक्सी थी, तो हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में, उसका नाम क्या है? समझ करो, हमारा सूर्य इस गैलेक्सी में, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया आकाश गंगा या फिर मंदाकिनी। अगर मैं बोलूं कि हमारी गैलेक्सी जो है उसके सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। इसमें अगर मैं बताऊं इस डायग्राम में कौन सी लग रही है, ई पास में लग रही है, तो इसका नाम एंड्रोमेडा। मतलब बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, लेकिन जो सबसे पास की गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम आकाशगंगा, धूम्रमेघला या फिर मंदाकिनी है, लेकिन हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। देखो यहाँ पे लिखी हुई है एंड्रोमेडा, ठीक है, और ये हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा और मंदाकिनी। ठीक है, और गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। केंद्र में घनत्व ज्यादा होता है, तारों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन दूरी कम होती है, पास पास होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं तारों की, तारा क्या होती है। बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, और क्या बताया था, कब बताया था? 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने बताया, गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से कुछ ऐसे तारों की खोज की जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो पहली बार किसने देखा? गैलीलियो ने। कब देखा? 1609 ईस्वी में। क्या देखा? ऐसे तारों को देखा जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, तारे होते क्या है? देखो तारे के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट इतना बस जानना जरूरी है कि जो तारे होते हैं इनका खुद की ऊष्मा और ऊर्जा होती है, इनकी स्वयं की ऊष्मा और ऊर्जा होती है तारों में। ठीक है, कहां से आती है, कैसे बनती है? तो देखो जैसे जैसे एक इंसान अपना खाना बनाता है, उसके पास मटेरियल रहता है, उस मटेरियल से अपने खाने योग उसको बना लेता, खाता है, जैसे ही खाता उसको एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है तो उसको ऊर्जा मिलती है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी आदमी हो, हम सब क्या करते हैं, आटा है, सब्जी है, हरी सब्जी, उसको पहले पकाते हैं, बनाते हैं, फिर उसको खाने के बाद जो एनर्जी मिलती है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी ऊर्जा मिलेगी तो हम काम करेंगे, है ना। ऐसे ही क्या होता है, तारों का काम होता है। कैसा होता है कि तारों के पास, जैसे हमारे पास आटा है, हरी सब्जी है, वैसे तारों के पास, हर तारे के पास बहुत सारा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत सारा है, लेकिन वो हाइड्रोजन को खा नहीं सकता डायरेक्ट, जैसे हम आटे को कच्चा नहीं खा सकते। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है हीलियम में, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। हाइड्रोजन के चार अणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को क्या करते हैं, तारे जो होते हैं उपयोग करते हैं। उनके पास बहुत सारी हाइड्रोजन है, अब वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यूज करके चार हाइड्रोजन के अणु लेके हीलियम का अणु बना लिया, जो ऊर्जा मिली उससे उससे चमक रहे, तो उसमें जो ऊर्जा और प्रकाश होता है तारों का खुद का, वो इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो याद रखना कि तारों में जो ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती क्या है, हाइड्रोजन के चार अणु मिलकर हीलियम का अणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताना है, ये हो गया नाभिकीय संलयन। अब इतना और याद रखना, जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वो हाइड्रोजन बम में भी होती है, है ना, एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन किस पे काम करता है, जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है वो करता है हाइड्रोजन बम पे, नाभिकीय संलयन की क्रिया। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया किस पे काम करती है, वो करती है परमाणु बम पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और तो तारों की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कौन सी क्रिया से जो खाना बनाता है या फिर खाने योग बनाता है उसको, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सारे तारे, सूर्य भी करता है ये काम। ठीक है, उसकी नाभिकीय संलयन की क्रिया से ही वो ऊर्जा मिलती है उसे। ठीक है, आप इसके बाद देखना, देखो यहाँ पे जो तारों का जो रंग है वो क्या है, ऊष्मा का परिचायक होता है। तारों का रंग क्या होता है, ऊष्मा का परिचायक होता है। ठीक है,
अब कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा जब कोई आग जलती है, कोई भी आग जल रही है, तो उसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, देखो यहाँ पे कोई भी सपोज करो यहाँ पे जो आग जल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी जो आग जल रही है यहाँ पे, तो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है, वो होती है नीली कलर की। वहां पर बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत सारी। अगर आपका आपका हाथ या आपकी उंगली इस आग में थोड़ी सी भी जल जाएगी तो बहुत ज्यादा दर्द देगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा और ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद बीच वाली होती है पीली कलर की, और सबसे लास्ट वाली होती है लाल कलर की। आप देख लेना, गैस को जला के देखना है, कोई भी आग, सबसे बाहर वाली जो लौ होती है वो होती है लाल कलर की, मतलब उस लौ में ज्यादा दम नहीं है, ज्यादा एनर्जी नहीं है। अगर उसमें थोड़ा बहुत हाथ लग भी जाता है, थोड़ा बहुत हाथ जल भी जाएगा, लेकिन दर्द ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन पीली में उससे ज्यादा है, तो सबसे कम लाल में है, फिर पीली में, और सबसे ज्यादा नीली में, ठीक है। इसी प्रकार तारों का जो रंग होता है वो उसकी ऊष्मा और ऊर्जा का परिचायक होता है। सबसे पहले जब तारा बहुत छोटा होता है तो उसका जो रंग होता है वो नीले कलर का होता है, क्योंकि उसके पास विशाल हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है और बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है, तो नीला रखा हुआ है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा सा, है ना, छोटा सा बच्चा है, उसको देख के हम पहचान जाएंगे कि ये हाँ छोटा बच्चा है। ऐसे ही तारों की एज का पता कैसे करेंगे, ये छोटा है बड़ा है, वो करेंगे हम किससे, रंग से। अगर नीला तारा है इसका मतलब है कैसा है, जो नीला तारा है तो इसका मतलब है ये तारे की प्रारंभिक अवस्था है, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है, नीला तारा है, नया तारा। धीरे धीरे वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा पीले तारे में, ठीक है। फिर पीला तारा किसमें कन्वर्ट होगा, लाल तारे में, धीमे धीमे पीले में होगा, या पीला और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता रहेगा, कन्वर्ट करता रहेगा, धीमे धीमे हाइड्रोजन कम होती जा रही, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लाल तारे में। और लाल तारा का मतलब होता है, जिसे रेड जोन भी कहते हैं, इसका मतलब है उसके पास हाइड्रोजन खत्म होने वाली है, मतलब उस तारे की मृत्यु होने वाली है। देखो इस ब्रह्मांड में दुनिया में हर चीज क्षणभंगुर है, मतलब ऐसा है कि कभी ना कभी नष्ट तो होगी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई वस्तु हो, कभी ना कभी मरती है, मतलब खत्म होती है, टूटती है, है ना। उसी प्रकार हाइड्रोजन, जो तारों के पास हाइड्रोजन था वो एक लिमिटेड था, तो कभी ना कभी तो खत्म होगा, है ना। तो धीमे धीमे जैसे ही हाइड्रोजन की कमी होती जाती है उसके पास, क्योंकि वो यूज करता जाएगा जब एनर्जी के लिए बनाए रखेगा, तो उसका रंग बदलता जाता है। सबसे पहले कैसा होता है, सबसे पहले होता है नीला, फिर बीच में सफेद भी होता है थोड़ा सा, फिर होता है पीला, और फिर होता है लाल। तो नीला पीला लाल ज्यादा है, बीच में सफेद से सफेद भी होता है, नीले के बाद सफेद होता है, फिर पीला होता है, और फिर होता है लाल। लाल बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है, रेड जोन जिसे कहते हैं। इसके बाद तारा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, मतलब तारा की मृत्यु का मतलब होता है उसके पास हाइड्रोजन की कमी हो जाना, बिल्कुल हाइड्रोजन ना बचना। जब हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, कन्वर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसके पास ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या करेगा वो, ना तो उसके पास ऊष्मा होगी ना ऊर्जा होगी, जिससे वो चमक नहीं पाएगा और ठंडा होकर सिकुड़ जाएगा। इसे ही तारे की मृत्यु कहा जाता है, ठीक है। तो तारे की मृत्यु क्या है, ये आपने समझ लिया, देखा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसके पास हाइड्रोजन बची है, तो क्या करेगा, धीमे धीमे जैसे जैसे वो हाइड्रोजन पूरी खत्म होगी तो उसको उस तारे को क्या कहेंगे, रेड जॉइंट या लाल तारा, क्या बोलेंगे, रेड जॉइंट या लाल तारा। जैसे कि हम बूढ़े आदमी बोलते हैं, ये बूढ़ा आदमी है, मतलब बूढ़ा आदमी है, अपनी एज की अंतिम अवस्था में है। उसी प्रकार तारों को क्या बोलेंगे, लाल तारा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये जो तारा है वो अपनी एज की अंतिम अवस्था में है। अगर सफेद तारा है और पीला तारा है तो हम बोलेंगे कि जवानी की अवस्था में है, अगर नीला तारा है तो हम बोलेंगे ये प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली अवस्था में, ठीक है, नया। तो लाल तारा और रेड जॉइंट बोलते हैं इसी को, है ना। अब क्या होता है, जैसे ही लाल तारा की सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़कर बिल्कुल सारी एनर्जी चली जाती है उसकी, ब्लैक पड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो सिकुड़ता है, सिकुड़कर उसमें एक विस्फोट होता है, है ना, जिसे मैंने बोला था तारे की मृत्यु कैसे होती है। तो बूढ़ा आदमी बन गया, ऐसे क्या बन गया, लाल तारा बन गया, रेड जॉइंट। जब इसमें एक विस्फोट होगा, इस विस्फोट को बोला जाता है सुपरनोवा विस्फोट, इसको याद रखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुपरनोवा विस्फोट।
रेड जॉइंट में होता है, लाल तारे में होता है, ना कि पीले तारे में, नीले तारे में, सफेद तारे में नहीं, क्योंकि आखिरी अवस्था होती है लाल तारा, मतलब रेड जॉइंट, है ना। तो उसमें क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है। जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो उस तारे में जो रेड जॉइंट था, लाल तारा, उसमें जब विस्फोट होगा तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो बचेगा उसका, छोटा सा जो अवशेष बचता है। इस अवशेष के बारे में, इस अवशेष के बेसिस पर हम ज्ञात करते हैं कि ये सूर्य भवन होगा ये अवशेष, या फिर न्यूट्रॉन तारा होगा जिसे हम पल्सर कहते हैं। क्या होगा ये कैसे पता चलते हैं, जैसे इसमें विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट, तो इस लाल तारे का, रेड जॉइंट का कुछ अवशेष बचेगा। अब इस अवशेष का मैं क्या देखूंगा, द्रव्यमान देखूंगा, क्या इस अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के 1.44 द्रव्यमान से ज्यादा है या कम है। अगर ये इस लाल तारे की बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के 1.66 द्रव्यमान से कम है तो ये हो जाएगा श्वेत भवन, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, कम है सूर्य, सॉरी द्रव्यमान की, सूर्य के 1.44 द्रव्यमान से कम है अगर इस अवशेष का द्रव्यमान, तो हो जाएगा व्हाइट ड्वार्फ, मतलब श्वेत भवन। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के 1.44 द्रव्यमान से ज्यादा है तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा, जिसे हम बोलेंगे पल्सर, जिसे क्या बोलेंगे, पल्सर, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा के बारे में बस इतना याद रखो कि न्यूट्रॉन तारा जो होता है इसका घनत्व इतना अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है, इसका द्रव्यमान, क्या बोला मैंने, इसका जो आपको मालूम होगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब अगर घनत्व किसका ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, आपने पढ़ा होगा घनत्व बराबर होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, अगर जिसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान तो सूर्य के 1.44 द्रव्यमान से भी ज्यादा होता है, तो जब द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका न्यूट्रॉन तारों का घनत्व इतना ज्यादा होता है, ये जो तारा होता है न्यूट्रॉन तारा, ये सिकुड़कर पूरा एक पॉइंट पे आ जाता है, इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि सूर्य की किरणों को भी अवशोषित कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता अपने एरिया से, ठीक है। तो याद क्या करना है, जो न्यूट्रॉन तारा वो क्या, कौन सा होता है, जो लाल तारे में अवशेष बचा उस अवशेष का हमने क्या देखा, सौर्य द्रव्यमान की 1.44 से ज्यादा इसका द्रव्यमान पाया गया, तो ये कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन तारा हो गया। और न्यूट्रॉन तारा हो गया तो इसका जो घनत्व है असीमित होता है, असीमित घनत्व, है ना। और सूर्य भवन में क्या होता है, अगर जो अवशेष का द्रव्यमान सौर्य द्रव्यमान की 1.44 से अगर कम है तो उसे क्या बोलेंगे, श्वेत भवन बोलेंगे, ठीक है। ये सब तारों के बारे में सब कुछ हो गई, अब कुछ ऐसे तारों के नाम बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहां पे देखो, सबसे पहले मैं बताया कि हमारी आकाशगंगा, सॉरी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आप बोलोगे आकाशगंगा या मंदाकिनी। फिर मैंने आपसे पूछा कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम आकाशगंगा मंदाकिनी, आपने बता दिया। मैंने कहा उसके पास में सबसे, उसकी सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आप सोचोगे, आप बोलोगे, अभी बताया था मैंने, एंड्रोमेडा। क्या है, एंड्रोमेडा, ठीक है। तो हमने अपनी गैलेक्सी देख ली, अपने सबसे पास वाली गैलेक्सी देख ली, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि अपने जो सौरमंडल में जो है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप बोलोगे सूर्य, हर कोई जानता है सूर्य एक तारा है, वो सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोले आप, सूर्य। अब मैं अगर बोलूं जैसे मंदाकिनी के सबसे पास वाली जो गैलेक्सी थी वो कौन सी थी, वो थी एंड्रोमेडा, उसी प्रकार जो सूर्य है सबसे चमकीला तारा, उसके सबसे नजदीक वाला तारा कौन सा है, तो आपको बोलना चाहिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा सूर्य है, उसके सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे चमकीला नहीं है, ये सूर्य के सबसे पास तारा है। तो अगर आता है कि सूर्य के सबसे पास वाला तारा कौन सा है, तो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप बोलोगे साइरस या डॉग स्टार, या स्टार डॉग बोलते हैं इसको, साइरस या डॉग स्टार। ध्यान रखना, साइरस एक तारा है सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकीला तारा, इसका नाम दूसरा है डॉग स्टार या साइरस, एक ही नाम है, एक ही तारे के नाम है, और सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकते हैं। और जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के सबसे नजदीक वाला तारा है। एक होता है ओरियन नेबुला, सबसे चमकीले तारों के समूह को कहते हैं हम ओरियन नेबुला। एक समूह होता है तारों का
वो सबसे चमकीले तारे हैं। तो सबसे चमकीले तारों के समूह को कहा जाता है ओरियन नेबुला। सबसे चमकीला तारा जो है वो तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद कौन सा है, वो है साइरस या स्टार डॉग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखे हुए सारे, सूर्य क्या है, सबसे चमकीला तारा। साइरस या डॉग स्टार क्या है, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है सूर्य के सबसे नजदीक वाला तारा। और ओरियन नेबुला क्या है, सबसे चमकीले तारों का समूह को बोलते हैं ओरियन नेबुला। ठीक है, अब मैं करता हूं थोड़ा से इसकी बात और कर लेते हैं। पिंड और तारे क्या है, देखो पिंड का मतलब होता है तारे भी पिंड में आएंगे। अगर मैंने बोला पिंड, तो पिंड का मतलब है तारे, ग्रह, उपग्रह, सब कुछ पिंड है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया तारा, तो तारा का मतलब उसमें फिर कंडीशन आ गई, एक ग्रह उपग्रह सब बाहर हो जाएंगे। तारे का मतलब तारे जिसमें खुद की ऊर्जा हो, खुद का प्रकाश हो, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हो, जो उन्हें बोलते हैं तारा। ठीक है, तो यहां देखो पिंड की बात की, अगर मैं बोलूं, समझना बात को, अगर मैंने बोला आपसे कि बताइए मुझे कि सबसे दिन में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप बोलोगे तारा कौन सा, सूर्य होगा। दिन में बोलो चाहे रात में, सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा, सॉरी रात में नहीं होगा, तो दिन में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सूर्य। लेकिन रात में सूर्य तो रहता नहीं है, तो अगर मैं बोलूं कि रात में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप जो मैंने अभी बोला था साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार रात में सबसे चमकीला तारा, और सूर्य दिन में सबसे चमकीला तारा। लेकिन ओवरऑल अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि सबसे चमकीला तारा, तो फिर सूर्य है। लेकिन अगर रात का पूछ लिया या दिन का पूछा, ऐसे करके पूछा, तो बताना पड़ेगा रात में स्पेशली कौन सा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे रात में सूर्य नहीं होता है। वैसे आंसर सूर्य है, सबसे चमकीला तारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि रात का सबसे रात में सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, तो साइरस या फिर डॉग स्टार। ठीक है, और अगर मैं पिंड की बात करता हूं, तो देखना यहां पे थोड़ा बदल जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं पिंड में सब आ जाते हैं, तारे भी आते हैं और ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं। अगर मैं बोलूं कि दिन में सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, तो सूर्य होगा, बिल्कुल सही है, वो तारा भी है पिंड भी है। ठीक है, तो चाहे पिंड बोले चाहे तारा बोले, दिन के लिए तो सूर्य आएगा सबसे चमकीला। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर दिन में सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा, सूर्य। दिन में सबसे चमकीला पिंड कौन सा होगा, सूर्य। ठीक है, अगर लेकिन रात के लिए क्या है, रात में सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस या फिर डॉग स्टार। लेकिन रात में सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, चंद्रमा। एस चंद्रमा साइरस या डॉग स्टार से भी ज्यादा चमकदार है ना, उससे भी ज्यादा चमकदार है, ज्यादा चमकता है कौन सा, चंद्रमा। देखो उपग्रह है तो पिंड माना जाता है इसको, तो तारे में वो काउंट नहीं होता है, इसलिए किसको मौका मिल गया सबसे चमकीला तारा बनने का, रात में साइरस और स्टार डॉग को। ठीक है, लेकिन पिंड अगर पूछ लिया रात को है, तो कौन सा जाएगा, चंद्रमा। सबसे चमकीला पिंड रात का चंद्रमा है, सबसे चमकीला तारा रात का कौन सा है, साइरस है डॉग स्टार। लेकिन सबसे चमकीला पिंड और तारा दोनों दिन के कौन से है, सूर्य। ठीक है, आज यहाँ पे हमारा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या बताया मैंने, बस इतना। और हाँ एक चीज और है, ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, ये मैं बताने वाला था उस टाइम पे। यहां देखो मैंने क्या बोला था, देखो यहां तक तो बात हो जाती है, क्या बात हुई कि ऐसा होता है, कैसा ऐसा होता है कि हम इतना जानते हैं अभी तक कि जो सूर्य होता है अपनी जगह इस तरह रहता है, ग्रह उसके चारों ओर, सूर्य के पास में कौन से, बुध शुक्र है ना, इस क्रम से है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण है ना, ये जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार बता रहा हूं मैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सारे ग्रह हैं। अब इन ग्रह के चारों तरफ उपग्रह है, सभी ग्रह के जितने, वो उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगा रहे, उपग्रह सब किसके चक्कर लगा रहे, सूर्य के, इस टाइप का सिनेरियो बनता है। ठीक है, लेकिन वास्तव सिनेरियो क्या है कि सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है, बस लगता है वो ऐसा है जैसे स्थिर हो। वो किसके चक्कर लगाता है, वो लगाता है आकाश गंगा के केंद्र के, जिसे बल्ज कहते हैं और जिसपे घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें तारे बहुत पास पास होते हैं, तो घनत्व ज्यादा होता है, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है तारों की, इसलिए जब तक बल्ज क्या है, प्रत्येक गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है।
तो जो सूर्य है वो किसके चक्कर लगाता है? वो लगाता है जिस जिस गैलेक्सी में वो है उस गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगाता है, और जितने समय में वो चक्कर लगा लेता है पूरा, उस समय को बोलते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष। तो जो हम अपने सूर्य की बात कर रहे हैं, अपने गैलेक्सी ले लेते हैं आकाशगंगा, हमारा सूर्य है, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर 25 साल में लगाता है, तो हमारा जो ब्रह्मांड वर्ष है वो कितना है? 25 वर्ष, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो 9.46 10 का बाद 12 किलोमीटर 10 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर, लेकिन 10 के बाद 15 मीटर, 12 किलोमीटर। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, है ना? जितना मैंने बोला आप उसको लिख भी सकते हो, आपको बिल्कुल पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिक क्या है, कैसे मैंने तो कैसे बताया, सब कुछ मैंने बताया यहाँ पे आपको। ब्रह्मांड क्या है, क्या सिद्धांत दिया, क्या दिया था, सब कुछ बता दिया। फिर मैंने गैलेक्सी के बारे में बात की, क्योंकि ब्रह्मांड किस में बटा? ब्रह्मांड बटा गैलेक्सियों में, और गैलेक्सी किस में बटी है? गैलेक्सी बची तारे में, ठीक है। तो पहले मैंने ब्रह्मांड के बारे में बताया, फिर गैलेक्सी के बारे में बताया, और गैलेक्सी के बारे में सब कुछ बता दिया, कैसे है, तारों का समूह होता है, कितने तारों का समूह होता है, 100 अरब तारों का समूह होता है, केंद्र में ज्यादा तारे होते हैं जिसे बल्ज कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से सब बता दिया मैंने। फिर बताया कि गैलेक्सियों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, एंड्रोमेडा बताया मैंने, आकाशगंगा मंदाकिनी बता दी, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है, तारों से मिलकर बनी है, तो फिर मैंने तारों के बारे में बताया, कौन सा तारा में कितनी एनर्जी होती है, कहां से खाना बनता है, नाभिक संलयन प्रतिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन को हीलियम में कैसे बदलता है, ठीक है, नीला तारा, पीला तारा, सफेद तारा, लाल तारा क्या होता है, लाल तारे से श्वेत पवन कैसे बनता है, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा कैसे बनता है, पल्सर कैसे बनता है, ये सब बता दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो लेकिन तारों के फिर एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे गैलेक्सी के एग्जाम्पल बताए थे, अब तारों के एग्जाम्पल बताया मैंने, सूर्य, साइरस डॉग स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य सबसे चमकीला तारा होता है दिन का, इसके सूर्य के बाद कौन सा आता है, साइरस है डॉग स्टार, लेकिन रात में सबसे चमकीला साइरस डॉग स्टार होता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी चमकीला नहीं है, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक वाला तारा होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और ये नेबुला क्या होता है, सबसे चमकीले तारों का समूह होता है। इस टाइप से मैंने सब कुछ ये सब बता दिया। पिंड और ग्रह में क्या अंतर होता है, पिंड और तारों में, है ना, तो दिन में पिंड पूछे सबसे चमकीला तब भी सूर्य आएगा, और तारा पूछे तब भी, लेकिन रात में अगर पूछ लिया रात का सबसे चमकीला पिंड कौन सा है तो क्या आ जाएगा, चंद्रमा, और अगर पूछ लिया तारा तो वही है साइरस एंड डॉग स्टार, ठीक है। आपको आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इसमें समझ में आया होगा। बस आपको इतना करना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, शेयर जरूर करना है। अगर आप लोग हमारा साथ देते रहे तो फिर मैं एक एक करके आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आपको सारे वीडियो जितना बताऊंगा यहाँ पे सब कुछ याद हो जाएगा, आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम है कि आपको 80% अभी याद हो गया होगा, आप एक बार बस इसको लिखोगे आपको पूरा पूरा सिनेरियो बन जाएगा माइंड में कि क्या क्या था, कैसे कैसे था, ठीक है, रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अगर मुझे लगेगा ये वीडियो मेरा चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, आप लोग शेयर कर रहे हो, इसको लाइक किया आप लोगों ने, तो फिर मैं इस जियोग्राफी के करके सारे वीडियो बनाता जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।